कोरोना संकट में देशवासियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सोलन जिला प्रशासन द्वारा सभी का सहयोग किया जा रहा है। यहां तक कि आपातकाल के लिए आवश्यक अनुमति भी प्रदान की जा रही है ताकि वे अपने जरूरी कार्य निपटा सकें। लेकिन कुछ लोग इस अनुमति का नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। सोलन में देखने में आया है कि लोग अनुमति लेकर बिना जरूरी काम के इधर उधर घूम रहे हैं। यहाँ तक कि कई लोग बाहरी राज्यों से पास बनाकर सोलन आ चुके हैं और बाजार में ऐसे घूम रहे हैं मानो वे कोरोना टूरिज्म पर आए हों। उन्हें देश प्रदेश और सोलन की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ही एक मामला सोलन में देखने को मिला जब एक व्यक्ति परिवार सहित दिल्ली से पास बनाकर सोलन इसलिए आया था क्योंकि उसे दिल की बीमारी थी। नियम अनुसार उसे होम क्वारंटाइन भी किया गया था, लेकिन वह बाजार में घूम रहा था, जिसकी शिकायत पुलिस को प्राप्त हुई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जब जांच की गई तो और भी चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि दिल्ली से एक परिवार चालक के साथ सोलन आया था, जिसमें चालक ने उन्हें यहां ड्रॉप किया और उसके बाद वापस दिल्ली चला गया। लेकिन इस परिवार ने उस चालक को भी सोलन में रोक लिया था, जो नियमों की अवहेलना थी, जिसके चलते परिवार के मुखिया और चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चालक को सरकारी कैद में क्वारंटाइन किया गया है। ASP सोलन ने शहरवासियों का धन्यवाद किया और कहा कि उनके द्वारा लगातार उन्हें बाहर से आने वालों की जानकारी मिल रही है, इसलिए सोलन अभी तक सुरक्षित है। दिल्ली से फैमिली आई है जिन्होंने अपना ड्राइवर, जिसकी की परमिशन नहीं है, उसको सिर्फ ड्रॉप करना था यहाँ और वापस दिल्ली जाना था, लेकिन उसको यहाँ पे अपने पास रखा हुआ था। ये सूचना मिलते हुए इनके खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है और ये जो ड्राइवर है इसको इमीजिएटली इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में शिफ्ट किया गया है। मेरी आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश भी है कि आप एक तो अपनी सुरक्षा को लेकर विजिलेंट रहें, और मैंने जैसे पहले भी धन्यवाद किया जनता का कि आप लोग हमें SMS पर सूचना दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हम लोग अभी तक सोलन टाउन में कोई भी केस यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आया है। इसके अलावा जो लोग पास बनवा रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ ये जो फैसिलिटी है ये आपकी फैसिलिटेशन के लिए बनी हुई है, आपके लिए एक सुविधा दी गई है, और अगर किसी को इंस्टीट्यूशनल या होम क्वारंटीन में रखा जा रहा है तो इसको अदरवाइज ना लें। ये आपकी और सोसाइटी की सुरक्षा के लिए है, आपके रिलेटिव्स की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है प्रदेश में मामले जहाँ पे व्यक्ति लाइटली लेते हैं चीज़ों को रेड जोन से आने के बाद, और वो बाहर पब्लिक के साथ मिक्सअप हो रहे हैं, जिसमें फिर पब्लिक के लोग भी कुछ जो हैं वो पॉजिटिव आए थे किसी डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरे लोगों से गुजारिश है कि आप इस फैसिलिटी का फ़ायदा जो है पॉजिटिवली उठाएँ और इसको नेगेटिवली यूज़ ना।